मेरे को पोस्ट मिला ग्रे हाउस कैप्टन, आई एम द ग्रे हाउस कैप्टन। माई नेम इज़ कामले अभिलाषा एंड आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th प्लूटो। सो एज यू ऑल नो इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन आवर स्कूल। कैप्टन इज इन प्रीवियस ईयर व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड आई वाज अ प्रीफेक्ट। सो इट्स ऑल्सो अ गुड चॉइस। इट्स नॉट बीइंग लाइक प्रीफेक्ट इज नॉट अ गुड पोजिशन, इट्स अ गुड पोजिशन। बिकमिंग अ हेड गर्ल इज फील लाइक प्राउड एंड proud. I feel like I am very happy and coordination. I will work hard for this success. Natural it's to feel all the emotions. I feel proud, happy, nervous, grateful. I just want to put all this emotion to in that my good works and actually the students who have voted, then the HOD of the school, Kaina teacher, Sanya teacher and Tawfiq sir, then the team of the teacher who have organized the whole thing, Rakshinda teacher, Anjala teacher, Farin. दर्शकों आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, मैं हूं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल सके। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है या कोई कंप्लेन है तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं जिशान आजमी। हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं मालवनी गेट नंबर 7 किड्स प्लानेट हाई स्कूल में, जहां पर इलेक्शन हुआ था हेड बॉय और हेड गर्ल्स का, जिसमें 2000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था हेड बॉयज़ और हेड गर्ल्स के लिए। इस इलेक्शन में जो बच्चे खड़े हुए थे, तकरीबन 50 बच्चे खड़े थे इलेक्शन में और उसमें से 10 बच्चे चुन के आए। तो आइए उन बच्चों से बात करते हैं जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन में जीत के आए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपने जो पार्टिसिपेट किया इस इवेंट्स में और आप चुन के आए। आपका नाम बताइए और आपको क्या पोस्ट दी गई बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बलराज, आई एम इलेक्टेड एज ब्लू हाउस कैप्टन। ओके थैंक यू। आपका नाम बताओ। माय नेम इज़ हुसैफ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप इलेक्शन में जीते। क्या पोस्ट मिली आपको? मेरे को पोस्ट मिला ग्रे हाउस कैप्टन, आई एम द ग्रे हाउस कैप्टन। सुमैया। सुमैया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको क्या पोस्ट दी गई है? हेलो आई एम सुमैया, आई एम इलेक्टेड हैज अ रेड हाउस कैप्टन। आपका नाम बताएं और क्या आपको पोस्ट दी गई? ओके माय नेम इज अभिलाषा। अभिलाषा आपको क्या पोस्ट दी गई? येलो हाउस कैप्टन। बताइए। माय नेम इज इकरा एंड आई एम इलेक्टेड एज अ ब्लू हाउस कैप्टन। ब्लू हाउस कैप्टन इकरा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपका नाम बताओ। माय नेम इज ऋषिना। ऋषिना आपको क्या पोस्ट दी गई? आई एम सिलेक्टेड एज अ ग्रे हाउस कैप्टन। ग्रे हाउस कैप्टन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। आपका नाम? माय नेम इज शेख फरहान जावेद। व्हिच स्टैंडर्ड? 9th स्टैंडर्ड। क्या पोस्ट मिली आपको? रेड हाउस कैप्टन। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। आपका नाम बताएं। माय नेम इज कुरैशी आयान। आपको क्या पोस्ट दी गई? आई एम पोस्टेड इज येलो हाउस कैप्टन। येलो हाउस कैप्टन। आप कौन से स्टैंडर्ड में? 9th प्लूटो। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। आपका नाम बताएं। माय नेम इज नूजर। क्या पोस्ट दी गई आपको? हेड गर्ल ऑफ किड्स प्लानेट हाई स्कूल। अच्छा, व्हिच स्टैंडर्ड यू आर इन? 10th सेटिन। ओके आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। आपका नाम बताइए। माय नेम इज सुजैफ अंसार। क्या पोस्ट दी गई आपको? आई एम इलेक्टेड एज अ हेड बॉय ऑफ किड्स प्लानेट स्कूल। इलेक्शन कैसे जीते और आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं और अपना नाम बताइए। ओके माय नेम इज़ कामले अभिलाषा एंड आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th प्लूटो। सो एज यू ऑल नो इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन आवर स्कूल। सो द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस वाज बीन इन टू सिचुएशंस, राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 वाज द इंटरव्यू पार्ट व्हिच वाज कंडक्टेड बाय द HODs ऑफ आवर स्कूल एंड राउंड 2 वाज द इलेक्शन पार्ट एज वी ऑल नो। सो राउंड इन द स्टूडेंट्स द कैंडिडेट्स हु पास्ड राउंड 1 वाज बीन शिफ्टेड टू द पार्ट वाज बीन शिफ्टेड टू राउंड 2। सो एज आई वाज ऑल्सो सिलेक्टेड इन राउंड 1, सो आई फील वेरी मच हैप्पी अबाउट दिस। सो इन राउंड 2 वाज द इलेक्शंस पार्ट। सो ऑल द स्टूडेंट्स और students or even the candidates voted for the candidates and all for monitors, prefects, head girl, head boy and house captains, and as we all know results are in front of you. हमारे साथ इकरा हैं जो कि किड्स प्लानेट हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। इनसे पूछते हैं ये कहाँ से थिंकिंग आई, कहाँ से ये सोच हुआ कि यहाँ इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। आपने क्या सोचा इलेक्शन में खड़े हुए, क्या बोला?
greeting to viewers. So as we all know that the elections were conducted in our school. So the election were conducted in our school to elect the monitors, prefects, captains, head girls and head boys. So I gave my name for the captain, because the reason I gave my name for captain is in previous year when I was in 8th standard, I was a prefect. So it's also a good choice. It's not being like a prefect is not a good position. It's a good position. But I want to become house captain because I want to lead my house as better as I can. I want to get to know what is the experience of being a house captain is. That's why I stand for the position of house captain. I did so many lot of hard works to achieve this position. Like I have gone to every classrooms. I have given them speech. I have convinced them to please vote for me, support me, and they voted me. And then after that, I became the house captain, and the results are in front of you. अब हम चलते हैं किड्स प्लेंट हाई स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल से, आइए उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। हमारे साथ मौजूद है हेड बॉय और हेड गर्ल, कैसा लग रहा है आपको? गुड इवनिंग व्यूअर्स, बिकमिंग अ हेड गर्ल इज फील लाइक प्राउड एंड प्राउड आई फील लाइक जस्ट आई एम वेरी हैप्पी एंड कोऑर्डिनेशन आई विल वर्क हार्ड फॉर दिस सक्सेसफुल पोजिशन एंड आई मेक इम्पैक्ट्स I make a lot of impacts. Thank you. आप किड्स प्लेंट हाई स्कूल के हेड बॉय भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको? Becoming a head boy is a great honor and it's a mix of natural it's to feel all the emotions. I feel proud, happy, nervous, grateful. I just want to put all this emotion to in that my good works and put them in the my best of my abilities. Thank you. Welcome. तो अभी हमने बच्चों से बात किया, अब किड्स प्लानेट हाई स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल है राजेश प्रजापति, आइए हम उनसे बात करते हैं। राजेश सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। ये जो इलेक्शन हुआ था हेड बॉय और हेड गर्ल्स का, जिसमें 2000 बच्चों ने वोटिंग किया था, 50 लोग खड़े थे, 10 लोग जीत गए, ये प्रोग्राम, ये पूरा इवेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी वो हमारे दर्शकों को बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। So everybody basically know that for any event, audience is important. And firstly, the credit goes to all the students who have participated in the event. And with great enthusiasm, they have participated in the event and stood up for the election. Nextly, the students who have voted, then the HOD of the school, Kaina teacher, Sanya teacher, and Taufik sir. Then the team of the teacher who have organized the whole thing, Rakshinda teacher, Anzala teacher, Farin teacher. Then lastly, the credit goes to our director, Mr. Manish Verma, who have organized this election that will help students to boost their confidence and make a correct and proper decision in their future. Thank you. How many houses are there and what are their responsibility and what are the activities of that house? There are four houses. So there are red, captains, red, yellow, grey and blue. Okay. So there are four houses. There are much responsibility on these students, for the captains or for the monitors to maintain a discipline in the class, to look after each and everything. So they will get a, after this election, those who are standing for the election, they will get the quality of leadership which will help them in their life. Sir, ये election जो रखा गया था head boys and head girls का, बहुत ही अच्छा successful, 10 बच्चे लोग चुन के आए, तो ये जो events था इसका credit किसको देना चाहेंगे, जो ये program जो पूरा हुआ? जैसे मैंने पहले बोला, firstly, basically the credit goes to all the students who have stood up, जो बच्चों ने participate किया, after that वो students जिन्होंने vote किया, जिन्होंने campaign किया, इतना hard work किया, after that the HOD of the school, all the three HOD of the school have planned each and everything to make this event successful, to make this election successful. Then there were the teachers who worked for it. As I told Anzala teacher, Farin teacher, they all worked for it to make the election successful. Then at last, the whole credit goes to our director, Mr. Manish Verma, who have made this event a successful. And this will develop a quality of for the students to develop
टू मेक ए करेक्ट चॉइस इन द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ किड्स प्लानेट हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल राजेश प्रजापति, जिन्होंने हमसे बात करते बताया कि किस तरह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, किस तरह से ये इवेंट्स रखा गया, और जो इवेंट्स रखा गया उसमें उन्होंने क्रेडिट सारे स्कूल के जो पार्टिसिपेट किए थे बच्चों ने उनको क्रेडिट दिया, टीचर्स को दिया, और ख़ास करके स्कूल के प्रिंसिपल मनीष वर्मा को दिया जो इन्होंने ये इवेंट्स रखा था। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मैं जिशान आजमी, खबर फेस टू फेस हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और जो यहाँ का जो बच्चों लोग ने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया उनको एक इंकरेज करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी लोग मालवानी के लोग हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फर्स्टली बेसिकली द क्रेडिट गोज टू द ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव स्टूड अप, जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आफ्टर दैट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वोट किया, जिन्होंने कैंपियन किया, इतना हार्डवर्क किया, आफ्टर दैट द HOD ऑफ द स्कूल, ऑल द 3 HOD ऑफ द स्कूल हैव प्लान्ड ईच एंड एवरीथिंग to make this event successful, to make this election successful. Then there were the teachers who worked for it. As I told Anjala teacher, Farin teacher, they all worked for it to make the election successful.